बोलो आप बोलो। पहले ये वीडियो नहीं बताया, आप बताओ ना। हम बताएंगे, इनको बताएंगे, बताइए, हमारे भाई है ये। मत उतरो भाई साहब, ट्रेन स्पीड हो गई है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब्जी की क्वालिटी है और ये राइस दिया है। लोग भी ये जब भी कोई खाना आयर सिटी से कहीं भी ट्रैवल जर्नी करो, सबसे पहले जो है हाँ जी, क्या हालचाल, तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई जर्नी में। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ 12707 एपी संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि तिरुपति से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चला करती है। और आज मैं इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूँ कचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि हैदराबाद का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। अभी मैं आया हूँ स्टेशन बिफोर टाइम, सो वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, लेट्स गेट इनसाइड इन द स्टेशन एंड देन वी विल वेट फॉर द ट्रेन। हमारी ट्रेन आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्टेशन पे आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ स्लीपर क्लास से, तो भाई मेरा कोच जो है वो बहुत आगे जा चुका है। और जैसे ही मैं स्टेशन के अंडर हुआ और ट्रेन एकदम बिल्कुल से आ गई, और स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोर्ड करते हैं। और यहाँ पे इस ट्रेन का तकरीबन 10 मिनट का होल्ड रहने वाला है, और ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम आई है, तो ये तो अच्छी बात है भाई साहब। तो जल्दी से फटाफट भाग करके अपने सीट को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं। और ट्रेन में अच्छे खासा क्राउड भी है भाई, देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेन पीछे 650 किलोमीटर पीछे से बन के आ रही है। अपना कोच F8 चलते हैं इसके अंदर और अपना सीट अरेंज करते हैं फटाफट से। चलते हैं अपने कोच की तरफ, तो लेट्स गेट इनसाइड इन द कोच एंड जी। आज का 53 हमारा मिडिल कोच है, आज का कोच ये होने वाला है, इसी में हम जर्नी करेंगे। अब ट्रेन में तो अभी ज़्यादा, वैसे क्योंकि यहाँ पे डिबोर्ड करने वाले लोग ज़्यादा थे, जिस कारण जो है स्टेशन काफ़ी क्राउडेड हो गया। मैंने अपना सीट अरेंज कर लिया दोस्तों। और बात की जाए ट्रेन की टाइमिंग की, तो दोस्तों ये ट्रेन कचीगुड़ा, इसका पहुँचने का टाइम है 4:30 बजे शाम को। यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड होता है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेशन है वो काजीपाट जंक्शन होता है। इस ट्रेन की रूट की बात की जाए, तो ये ट्रेन तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश का एक जाना माना सिटी है, तिरुपति से चल करके ये धोनी, कचुगेड़ा, काजीपत और पाल, झांसी, ग्वालियर के रास्ते ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक जाती है। और इस ट्रेन की टोटल डिस्टेंस, ये ट्रेन 2308 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है। और यहाँ से बात की जाए कचुगेड़ा से हजरत निजामुद्दीन का 25 घंटे 55 मिनट का टाइम लेती है। वैसे आज तो ये ट्रेन काफ़ी टाइम पहले आ गई है रेलवे स्टेशन पे, और मैंने अपना सीट अरेंज कर लिया। इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है, WAP-7 का लोकोमोटिव लगा हुआ है। और मैं अभी आपको स्लीपर क्लास के वॉशरूम का कंडीशन दिखा दूँ। पहले ऑब्वियसली सी बात है भाई साहब, गंदी होगी, ये देखो भाई साहब, नाक भी नहीं दिया जाएगा, वीडियो स्किप कर दोगे आप लोग, तो प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम दिस। और यहाँ पे जो है रिफिलिंग होती है सारे टॉयलेट्स टैंक्स की, क्योंकि काफ़ी तकरीबन पीछे 650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए आती है। और ये सुबह 5:30 बजे तिरुपति से चलती है और यहाँ पे शाम 4:30 बजे पहुँचती है, तो गंदगी तो देखने को मिलेगी आपको। हमने ये खिलनी का बॉर्डर ले लिया है, और MRP प्राइस दिया इन्होंने 15 रुपये का, वैसे 20 रुपये मांग रहे थे, बट जब मैंने इसे बताया कि भाई साहब ये 15 रुपये का ही है, तो फिर इन्होंने जो है 15 रुपये का दिया। आपसे भी निवेदन है कि आप जब भी बॉर्डर लें तो 15 रुपये ऑन द प्राइस MRP प्राइस ही दे, इससे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगता है तो आप उसकी कंप्लेन 139 IRCTC रेल मदद के द्वारा कर सकते हैं। वैसे AP संपर्क क्रांति में 9 स्लीपर के कोच लगाए गए हैं, और सारे स्लीपर के कोच इसमें आगे लगाए गए हैं और ACs के कोच आगे पीछे लगाए गए हैं। और बात की जाए इसमें स्लीपर कोच की जो क्वान्टिटी है वो भी ज़्यादा है, इसमें 9 कोच जो है वो स्लीपर के लगाए गए हैं। आमतौर पर आजकल इंडियन रेलवे के सारी कोच ट्रेनों में, एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच की जो डब्बे हैं वो कम कर दिए गए, बट इसमें जो है इसमें ज़्यादा डब्बे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, जिससे क्या होगा ओवर क्राउडेड होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। और अभी हमारा टाइम होने वाला है 1 या 2 मिनट बचे ट्रेन डिपार्चर होने।
सो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन कुचिगुड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रही है, बट 25 मिनट डिले डिपार्ट हुई है, क्योंकि पता नहीं क्यों टेक्निकल इशू के कारण 25 मिनट डिले डिपार्ट हुई है। बट ट्रेन जो है वो बहुत टाइम आई थी, बट अभी फ़िलहाल 25 मिनट लेट डिपार्ट हो रही है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेशन है वो काजीपत जंक्शन होने वाला है, सो लेट्स एंजॉय द जर्नी एंड हैदराबाद की मेट्रो जा रही है और नीचे भाई साहब ट्रेन खड़ी है, चेन पुलिंग कर दिया किसी ने। हमारे लोको पायलट सब पीछे गए हैं जहाँ से चेन पुलिंग हुई है उसे ठीक करने के लिए। और भी ज़्यादा भारत इंडियन रेलवे की ट्रेनें जो है वो लेट हो जाती है, तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग ऐसी हरकतें ना करा करें, इसमें आपका फ़ायदा बट रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। काफ़ी कंजप्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी और जो डीजल से चलते हैं उसके डीजल की। फ्रूटी है, मैंगो जूस, ऑरेंज भी है, ऑरेंज है, ऑरेंज जूस। कितने का है ये? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या चाहिए आपको? नहीं, क्या नाम है आपका? क्या है? 40 दे दे। फिर ऐसे बोलो ना, फिर 50 कैसे बोलते? चेंज और चेंज नहीं आपके पास? 20 के हैं ना। ऑनलाइन कर दूं? ऑनलाइन है नहीं। प्राइस हाई करके मत बेचा करो। मैंने ले लिया फ्रूटी। भाई साहब जो पेंट्री वाले थे वो 50 रुपये बता रहे थे। मैंने कहा भाई देख भाई MRP जो है वो 40 का है, तू 50 कैसे ले रहा है? तो भाई कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि यार चलो ठीक है 40 ही दे दो। आपसे भी ये मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेन में जर्नी करें और ये आपका राइट्स है कि आप कुछ भी खरीदें ऑन द MRP प्राइस। अगर कोई भी बंदा आपसे MRP प्राइस से ज़्यादा मांग रहा हो, चाहे रेलवे स्टाफ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जेन्युइन बंदे से ले, कोई भी लोकल जो है आप वेंडर से ना ले, जिसके पास ID हो ICTC की, उनसे ही आप रेलवे के अंदर परचेज करें सारा सामान। और अगर ऐसा कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा हो तो आप उसके IRCTC 139 रेल मदद ऐप पे आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी ID बैन हो सकती है, इस चीज़ का आप लोग बेहतर ध्यान रखें, ठीक है? लाल ट्रेन जो है वो तकरीबन 40 मिनट डिले चल रही है और अभी बीच में चेन पुलिंग भी हो गई थी और ऑलरेडी 25 मिनट जो है वो स्टेशन से लेट डिपार्ट हुई थी।
बोलो आप पहले, ये वीडियो नहीं बताया, आप बताओ ना, हम बताएंगे इनको, बताएंगे, बताइए, हमारे भाई है ये, वो भाई आपके हैं, आप हमारे भी हैं, तुम्हारे भी, बिल्कुल, आप बताइए, अभी मेरे ये वीडियो नहीं बनाओ, क्यों नहीं बनाओ, तब वीडियो काट दो, आप बता दो, इसमें गलत क्या है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें गलत क्या है, पहले हमारी आपके साथ कोई एनफोर्समेंट नहीं कर रहा मैं, पहले मैंने इनको बोला मैं भाई साहब ऑर्डर ले आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपने कहा पानी ले, आपने कहा 150 का थाली है, इस भाई ने कहा कि मेरे को बिल दे दो, आप तो उनको बताए आप बैठो मैं आ रहा हूँ, यही तो बोले नहीं मिलेगा, यही बोला ना आपसे, ये काटो पहले, ये काटो तब बताएं, एक मेरे लिए भी आप ले लो, उसके साथ प्लस बिल लेके आना आप, ठीक है, और आप लोग भी ये जब भी कोई खाना आयर सिटी से कहीं भी जर्नी करो, सबसे पहले जो है कैंटीन स्टाफ से बिल मांगा करो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये चीज़ आपका राइट सही है, और बताओ, और अगर कोई बिल ना ने तो 139 पे रेल मदद पे कंप्लेन कर दो, उस बंदे का नाम प्लस उस ट्रेन का PNR नंबर, आपको भी एक, हाँ जी एक मेरे लिए नंबर 53, हाँ जी चलो और बताओ, अगर एक्स्ट्रा चपाती लेंगे तो उसका क्या चार्ज है, एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगी वैसा, क्योंकि ये खाना दो भी घर पर नहीं बन पाए, अच्छा, और 1 2 3 4 5 आपका, दोस्तों हमारी ट्रेन काजीपत जंक्शन आ चुकी है, सो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन काजीपत जंक्शन आ चुकी है, ओ भाई साहब आ जाओ, दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है काजीपत जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KZJ, और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल है दोस्तों, अभी तक ट्रेन 2 मिनट डिले चल रही है, बाकी ट्रेन में तो ज़्यादा रश नहीं देखने को मिल रहा अभी, जैसे कि मैंने दिखाया दोस्तों IRCTC का किस तरीके से यहाँ के पेंट्री स्टाफ जो है लूट रहे लोगों को, तो आप अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस होता है, अगर कोई MRP प्राइस पे कोई आपको पेमेंट नहीं करता, तो आप उसकी शिकायत 139 पे आप कॉल करके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो फिलहाल लाइन क्लियर हो चुका है, मैं चलता हूँ अपनी ट्रेन के कोच के अंदर, तो हमारी ट्रेन गाजीपत जंक्शन से डिपार्चर हो चुकी है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टेशन है वो रामानगुंडम है, और अभी भी फिलहाल ट्रेन तकरीबन 30 मिनट डिले चल रही है, आई होप ये रात को कवर कर लेगी, हमारे पैंट्री स्टाफ आ गए हैं खाना लेकर के, एंड लेट्स हैव अ टेस्ट, हमने खाना मंगा लिया है, 80 रुपये का प्लेट दिया है, अब इसका बिल भी मांग लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे खाने का टेस्ट कैसा है, ये रहा आपका खाने का बिल, 80 रुपये का ये मील लगा है हमको, थैंक यू, 80 रुपये का खाना हमें पड़ा है IRCTC से, मैं खाना खोल के देखती क्या क्या होती है इसके अंदर, भाई साहब ये मेरे को चपाती लग रहा है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ये सब्जी की क्वालिटी है, और ये राइस दिया है, इसके साथ इन्होंने ये अचार दिया है, एक स्वीट दी है, थोड़ा सा चावल है, और भी ये दाल है, और ये आलू की सब्जी है, और शायद इसमें 2 चपाती दिया है इन्होंने, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है इसका स्वाद, चावल सही थे फ्राइड है, खाने का टेस्ट बिल्कुल सही है, 80 रुपये के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, द टेस्ट वॉज टोटली गुड,
है 12707 पेंट्री गार्डन के अंदर एंड देख रहा हूँ इस ब्रांड के पानी जो है वाटर बॉटल सेल किया जा रहा है। जितने भी पेंट्री स्टाफ है, ये जितने भी भाई लोग देख रहे हैं आप, ये सारे लोग ये सेल कर रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए कल शाम को इनको वार्न भी किया था कि नहीं आप ये नहीं सेल कर सकते, आपको जो रेलवे अप्रूवल दिया है उस चीज़ को आप सेल करिए, बट एक्चुअली ये लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं तो किले चढ़ता था वहाँ पे और ये सब चढ़ता है। अभी मैं परसों तरसों अभी मैं तेलंगाना से आया हूँ, उसमें मैंने देखा रेलनीर बेच रहे हैं तो किलनी बेच रहे हैं, अदर ब्रांड नहीं सेल कर रहे हैं। साउथ में सर मैं भी जर्नी करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम इस रूट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी जर्नी किया और मेरा काम ही है जर्नी करना एंड लोगों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो मैंने देखा है और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम भी मैंने शिकायत भी किया, कंप्लेन भी किया, तो वहाँ पर एक्शन भी लिया गया, ऐसा नहीं है। ये तो आपका काम ही है ना? हाँ जी, ये मेरा काम है। अगर जहाँ पे कुछ गलत होता है मैं उस चीज़ को एक्सपोज करता हूँ, वहाँ पे एक्शन भी लिया जाता है। तो आपका फंडा ही है, लेकिन अब क्या है वहाँ काचूड़ा में पानी ही ये चढ़ाता था। ये देखिए पूरा सब चीज़ के स्टॉक भरा पड़ा है। आपका क्या नाम हुआ सर? नीरज शर्मा। हाँ मैम, आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुआ। कहाँ से? मैं न्यू दिल्ली से। क्लाउड तो अच्छा खासा स्टेशन पे है ट्रेन पे चढ़ने के लिए लोगों का। चलती हुई ट्रेन पे चढ़ रहा है वैसा तरीके। चाहिए जी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? हम अभी हो रहा है 8:20 और हमारी ट्रेन आ चुकी है भोपाल जंक्शन, और ये ट्रेन ऑन द राइट टाइम आई है दोस्तों। एंड बात की जाए भोपाल जंक्शन, तो ये भाई भोपाल जंक्शन मध्य प्रदेश का कैपिटल भी है और काफ़ी मेजर स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन यहाँ से ऑर्गेनेट और टर्मिनेट होती है। और बात की जाए यहाँ स्टेशन पे इस ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड रहने वाला है। अब तक ट्रेन ने 1615 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और ये भोपाल जंक्शन का जो रेलवे जोन है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन लगता है, और इसका जो स्टेशन कोड है वो BPA और J है। और बात की जाए भोपाल जंक्शन के फूड के बारे में, तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ फेमस है, जैसे कि पोहा वो मध्य प्रदेश का ही फेमस है, एंड आपने एक मूवी में भी देखा होगा भोपाली पान जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ का। आप मुझे ये बताइए भोपाली पान का डायलॉग किस मूवी का है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ उस मूवी का नाम का। उस मूवी का जो नाम है वो जी से स्टार्ट होता है और उसमें जो लीड कैरेक्टर है वो अमिताभ बच्चन साहब रह चुके हैं, उसी मूवी का ये डायलॉग है भोपाली पान के नाम से। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी भाई साहब कैंटीन का हाल तो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है, और जबकि इंडियन रेलवे जो अथॉरिटी है वो रेल नीर की सप्लाई करने के लिए सेल करने के लिए अप्रूवल दे रखी है, उसके अलावा 6-7 ब्रांड और दे रखा है अगर इनकेस ना हो तो। लेकिन यहाँ पे अलग ही ब्रांड का पानी बेचा जा रहा है, ऑन MRP रेट से ज़्यादा प्राइस मांगा जा रहा है। मैंने इस चीज़ का कंप्लेन यहाँ के पेंट्री स्टाफ से किया मैंने और मैनेजर से भी किया। अब भाई साहब ये लोग नहीं सुधर रहे, तो इसके खिलाफ़ तो इंडियन रेलवे को एक्शन लेना चाहिए। बाकी यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो है वो बोर्ड कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ से डिबोर्ड भी कर रहे हैं। तो भाई साहब अब मुझे भी भूख लग रही है, तो चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करते हैं। जरूर सुनो सर, ये पोहा बन रहा है यहाँ पे, काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट है भोपाल कैंटीन पे। ये रहा भोपाल का अपना पोहा रेडी कर रहे भैया, और ढोकला भी है यहाँ पे, समोसा फुल फ्रेश बनाया जा रहा है आपको बनाना। एक फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो भोपाल जंक्शन से डिपार्ट हो गई है, जिसका नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वो झांसी होने वाला है।
मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए लिया है पोहा ढोकला और ये पकौड़े हैं। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है ये। पोहा फ्रेश है तो सही लग रहा है टेस्ट। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है, वरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आ चुकी है। अभी बज रहे 12:15 और हम आ चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। और यहां पे इस ट्रेन का 8 मिनट का होल्ड है और मेरे पीछे जा रही है उद्योग नगरी एक्सप्रेस और ये हमारी ट्रेन पीछे लगी हुई है। उद्योग नगरी एक्सप्रेस जाती है बेसिकली लोकमान्य तिलक से प्रतापगढ़ तक और ये भी अभी प्लेटफॉर्म पे आई हुई है। और बात की जाए इस ट्रेन की तो इस ट्रेन की 8 मिनट की स्टॉपिंग रहने वाली है, नेक्स्ट स्टेशन है वो ग्वालियर होने वाला है। गर्मी अच्छी खासी है भाई साहब झांसी में तो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो डिबोर्ड कर चुके हैं। अब यहाँ से जो ट्रेन वो हल्की हो जाएगी क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 स्टॉपेज बचता है, ग्वालियर फिर उसके बाद हजरत निजामुद्दीन जो कि न्यू दिल्ली में है। जो लोग इस वीडियो को झांसी से देख रहे हैं वो मुझे बताएं यहाँ झांसी का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है। और जो लोग इस वीडियो को झांसी से देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वरंगना लक्ष्मीबाई झांसी से डिपार्चर हो गई है, जिसका नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वो ग्वालियर होने वाला है। हमारी ट्रेन आगरा कैंट से स्किप करते हुए निकल रही है। आगरा कैंट से अपने स्वाई में निकलते हुए ट्रेन चोट वोट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर भाई साहब कितनी स्पीड ट्रेन में ये भाई साहब उतरने चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई रुक जाओ भाई मत उतरो। चलो तो भाई साहब इतना स्पीड ट्रेन है भाई, मत जाओ भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ भाई उतरो मत, आराम से आराम से। अरे भाई मत उतरो भाई साहब, ट्रेन स्पीड हो गई है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे तेरी करो मेरी जान भाई साहब, इतनी स्पीड ट्रेन है बंदा उतर गया यार। सो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ चुकी है। दोस्तों अभी बज रहे 6:35 और हम आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे तो दोस्तों ट्रेन जो है वो आधे घंटे पहले ही आ चुकी थी क्योंकि आउटर पे से रोक रखा था, सिग्नल नहीं दे रहे थे। बाकी सफ़र काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों मेरा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी बट उसका भी सॉल्यूशन हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यार, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है।
ओवरऑल जर्नी के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत अच्छा जर्नी रहा। आपको ये जर्नी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अगली जर्नी किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन दोस्तों।